बताया नहीं, मैं शादी कर ली है मैंने, अब लेके आ रहा हूँ उसको, अब तो संभाल लियो, सपोर्ट कर लियो मुझे। उसके पेट में बात पची रही, उसने फैला दिया। सबसे ज्यादा मैं बोलू, नानी को स्क्रिप्ट दी थी वो भूल चुकी है, अब नानी कुछ और ही बोल रही है। मालू गुई रालू का बीच खिली सकिनी आहा, गोरी मुखड़ी माहो लाल उठड़ी जनी आहा मालू। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश अपने कज़न ब्रदर के साथ में, और ये आया था देहरादून मेरे रूम पे, तो ये आज ऋषिकेश जा रहा था, तो इसने कहा चल तू भी चल ले भाई। मैंने कहा चलो चल लेते हैं। और अभी ऋषिकेश में मेरी नानी रहती हैं, मेरी मौसी रहती हैं, और मेरी तीन मौसियाँ रहती हैं ऋषिकेश में, और नानी का घर भी ऋषिकेश में ही है। तो जा तो रहा हूँ मैं अभी, लेकिन अभी सिर्फ उज्ज्वल को पता है कि मैं इसके साथ ऋषिकेश जा रहा हूँ, मेरी मौसी, मौसी के बच्चों को और किसी को नहीं पता। और मैंने ये बोल रखा कि ये जो है मैं सरप्राइज ला रहा हूँ घर पे। हाँ, मैंने ये बोला है। और इसने घर पे ये बोला है, मेरी जो बहन है मुस्कान, मतलब इसकी सगी बहन है, मेरी कजन सिस्टर है, तो उसको ये बोला है कि मैं ना सरप्राइज ला रहा हूँ घर पे। तो उसने कहा कि शादी वादी करके तो नहीं आ रहा? तो इसने कहा कि हाँ मैंने शादी कर ली यार, अब तू देख लियो घर पे, बताया नहीं मैं शादी कर ली है मैंने, अब लेके आ रहा हूँ उसको, अब तू संभाल लियो, सपोर्ट कर लियो मुझे। तो इसकी बहन कह रही कि अरे तू लेके आ, बिंदास लेके आ, मैं सपोर्ट करूंगी तुझे। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे सरप्राइज देने, घर वालों को पता नहीं, क्योंकि मौसी लोग सब कह रहे थे कि मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि कब आएगा, और सब लोग ना मुझसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मौसी के बच्चे लोग बोलते हैं भैया आया करो, मामा के बच्चे भी। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, और अब जब जा ही रहे हैं तो ब्लॉग भी कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है मेरे को देख के, और मुझे तो मेन है नानी से मिलने का, क्योंकि नानी भी आ रखी है, और मुझे अभी पता चला कि वहाँ पे नानी भी है, तो आज आप लोगों को अपनी नानी से भी मिलाऊंगा। लेट्स गो। तो अभी हमने ना सुबह से कुछ खाया नहीं था, सुबह मेरे रूम पे मैं नाश्ता बना रहा था, बट उज्ज्वल ने कहा कि लेट हो जाएगा तो घर जाके ही खा लेंगे। तो उज्ज्वल ने घर में फ़ोन करा, तो पता चला सबके सब आज नानी के घर पे ही आए हैं, जो अगल बगल में और मौसी लोग भी रहते हैं ना, तो मौसी लोग भी सारे नानी के घर पे आ रखे हैं, क्योंकि नानी आ रखी है तो नानी से मिलने आ रखे हैं। तो हमने कहा कि अब दिन का ही लंच होगा वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने तो नाश्ता कर लिया होगा। तो हम यहाँ हाईवे पे, ये जो देहरादून से और ऋषिकेश का जो हरिद्वार वाला हाईवे, हरिद्वार बाईपास वाला, यहाँ पर एक खैरा पंजाबी ढाबा पड़ता है, यहाँ पर ना बहुत अच्छा खाना मिलता है, उज्ज्वल आते जाते टाइम यहाँ पर खाता रहता है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मैंने सबसे तारीफ़ सुनी है इसकी, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं और यहीं पर नाश्ता करते हैं। चलो। तो दोस्तों मैंने मंगाया अपने लिए पनीर स्टफ़ तंदूरी पराठा, उसके साथ में देखो मुझे ये मक्खन भी मिला एक कटोरी पे, और मेरे भाई ने मंगाया अपने लिए छोले भटूरे, और मेरी चाय भी आ रही है। बाकी ये बहुत अच्छा है, देखो अंदर से इसका इंटीरियर भी इतना अच्छा है। चलो अब पेट पूजा करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। चलिए जी, पेट पूजा हो गई है, और जाते जाते उज्ज्वल ने कहा यहाँ पे कि यहाँ पे आइसक्रीम भी अच्छी होती है, तो हमने आइसक्रीम भी ले ली। कौन सी आइसक्रीम है ये? ये चोको चिप्स, उसकी वादी लाल की चोको चिप्स। तो खाते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों हम पहुँच तो गए हैं घर पे, लेकिन इन सब लोगों को ना पता चल गया कि मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कज़न ब्रदर को बताया था, मौसी के लड़के को, मतलब वो भी देहरादून रहता है ना, तो मैंने उससे इसलिए पूछा था कि अगर तू देहरादून में है तो तू भी चल ले हमारे साथ में, लेकिन वो पहले से ऋषिकेश में था, वो कल सैटरडे में आ रखा था यहाँ। तो उसके पेट में बात पची नहीं, उसने फैला दिया कि भैया भी आ रहे हैं, तो ये सब के सब फ़ोन कर रहे थे अभी मुझे, मामा का फ़ोन आ रहा था, मेरी बहन मुस्कान का फ़ोन आ रहा था, तो मैं समझ गया कि इन्हें पता है। पर चलो अब पता है तो पता है, अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि किस किस को पता है, किस किस को नहीं, और क्या रिएक्शन रहता है। बम बम बोले, बम बोले। मामी पंडा क्या? हाँ खुश नहीं हो रहे मुझे देख के? बहुत खुश हो रही है यार, तेरे को देख के कौन खुश नहीं होता। पहले से पता चल गया था मैं आ रहा हूँ। अभी चलो। पक्का? मैं सरप्राइज दे रहा था, मैं सरप्राइज दे रहा था, इन्होंने पहले ही बात फैला दिया। अरे मेरे दोस्तों को नहीं पता यार आप आ रहे हो। रिकॉर्ड कर रहे हो? नमस्ते क्यों नहीं कर रही? कर, क्यों हटाओ? प्रणाम प्रणाम, तो हाथ से भी करती चलता, खुश रहो। अरे बाप रे, यहाँ तो सब पहुँच रखे हैं। मौसा जी प्रणाम,
मौसी पढ़ना, हाँ मामा जी पढ़ना पढ़ना, हाँ पहली बार जीवन में प्रणाम कर रही है कैमरा देख, मौसी पढ़ना, बाप रे नानी नानी पढ़ना, क्या तोड़ा है हाथ, सब दाने तोड़ा गली पहले कुटर तोड़ा है तब आजकल हाथ टूटी गई की के पलंग माथे तो सी हूं रोज रन तो अपनी रे में और सुबीर 3 बजे पड़ते सब आसाब लागे और छोरे मथरे उरसी हूं ये देख और इन फरकी खड़ा उठना के ना आज नहीं उठियानो ये खोटान भी ना बहुत पसराने बने और इन धोमी जान में फरक है ना और इन दौड़िया ने तो ठोक टका बैठो फर फरकी ने मैंने वहां पर वहां पर फरकी नहीं तय रहते कहते फरकी में जो यू आया तो ये खोटो को नोक लेते नहीं और मैंने पहले यू देखी कि यू फिर टूटी में जान यू तो पहले रह जाए कदम आती और तो ये देखिए इस लड़की ने चिकन बना हुआ था तो इन्होंने तो खा लिया चिकन, यहाँ तो देख ये नॉन वेजिटेरियन है तो इन्होंने खा लिया चिकन, ये वेजिटेरियन लोग 2 मिनट लेट करी तो ना आप वेजिटेरियन बचेंगे ना नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन आप किसी भी कैटेगरी में, तब ठीक है। अब मैं कह रहा कि खाना बंट रहा है नीचे चल, चल क्या बनाया हमारे लिए, दाल पनीर, दाल पनीर पनीर नहीं दाल चावल खाई हूं मैं जरूर पर जब तुम्हारे हमें बुला मैं ये कह दिन थोड़ा हमें लीन थे हम बेहर मुखाड़ा अको जय बलो मैं भाई में नहीं आव, अच्छा वो तो बहुत वीडियो बनाता है बहुत वो करता है वो मैं ज्यादा मैं बोलू वाह ये न डायवा इनको बड़ा करके जब ये ठीक हो गए, हमारी नर्स ना नानी थी तभी तो बोल रही है तुमको तो नहीं पाला वाले, इनको तो पाला है वाले मैंने, जो नर्स तो अब कोर्स करके बन रही है वो नानी पहले से है बिना डिग्री के, बिना डिग्री के आज से भी निकालती थी बीत गए वो भी बर्फ में, नानी से ट्रेनिंग लेती हूँ मैं, तभी तो पूछा मैंने जब मैं बाहर आ गया तब मैंने पूछा कौन था वे जो हाथ डाल के खींच के बाहर निकाल रहा था, मैं तय चेहरे बाबा पहले मैंने एक ढकान ली तब मैंने एक ढकान ली तब मैं तब लंप लंप बजनो है और मत यार रोना है ये राम बर्स के नो बर्स के बच्चे है तब उस फुले के बताते ये भाई तब जेल में सब दाने ये भगवान भगवान रे उल्टी को बेर मेर भी तब डांडा मत फिर आए मैं पेट और हुई की मेर ला नो ने हां डांडा ने तो प्यार बहुत डांडा हां बाल जा बे सर हां घड़ी थे बाउंड अभी धारे तई दिन फिर जान लो मैं घड़ी देख ये माँ मैं भी लाली देख तू देख तू कर तुम जो मैं हुआ उलू सुने नहीं बोल मैंने वो कही तब क्या कर पाया हुएगी नवा ली तब पहले मैंने ती भी दिल भैन सब दान कह ली दोस्तों अभी जो है खाना वाना खाने के बाद हम लोग छत में बैठे हुए थे और सब लोग बस ऐसी थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, नानी बता रही थी कि नानी ने कैसे करके बचपन से हमको पाला, क्योंकि जब मैं हुआ था और मेरे बड़े भाई बहन हुए थे ना तो उस टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह तो लेके जाते नहीं थे, ठीक है, तो दाइमा होती थी उस टाइम पे, तो मेरी नानी जो है दाइमा है, मतलब अपने टाइम पे दाइमा थी मेरी नानी, तो उस टाइम पे मेरी नानी ने ही जब डिलीवरी हुई होगी ना मम्मी की तो नानी ने ही करा सब कुछ गांव में, तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी तो बर्फ़ के टाइम पे ही हम पैदा हो रखे मेरा भाई और मैं जनवरी फरवरी में, तो बर्फ़ में ही जो है
वो जो भैंस के कमरे होते हैं ना, कहीं किसी किसी जगह उसे गोट बोलते हैं, किसी किसी जगह हमारे यहाँ तो ओबरा बोलते हैं। तो वही बता रही थी नानी कि मैंने इतना करा है तुम्हारे लिए, वो सब बता रही थी। और थोड़ा सा नानी उदास भी हो रही थी कि तुम लोग आते नहीं हो मिलने करके, ये उसको पूछते नहीं हो। तो होता है, अब बूढ़े लोग हैं तो उन लोगों को होता है तो तब बताते हैं वो तो बस। फिर लेकिन मज़ा आ रहा था बातें आते करते, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब फैमिली वालों से मिलते हैं ना ऐसे, अपने बारे में बातें सुनते हैं तो अच्छा लगता है। सारे भाई लोग हैं, सारे मौसी लोग हैं, तो चलो थोड़ी देर और बातचीत करते हैं, बैठते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, आज मैं आई हूँ अपनी नानी के घर और आज मैं आपको सबसे मिलाऊंगी जो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले ये है गौरव लेखवार, ये है मुस्कान सिंहवाल, ये है राजीव खंडूरी, ये है गोविंदी डोभाल, ये हमारी नानी है, ये मेरी मम्मी है, ये इनका नाम पता नहीं भैया है, ये उर्फ जेई है, ये ठेकेदार है, और ये जेठी माँ है, सुधा जेठी, ये सोनल दीदी है, ये जेठी माँ, ये मामा है, और मेन कैरेक्टर ये है जिनसे हम मिलने आए हैं, और ये मेरी मम्मी है। रिपीट हो गया अपनी मम्मी के, अरे पीछे मिला लिया, ये हमारे मामा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बहुत सारी मस्ती करने नानी का कुट्टा ही तोड़। अच्छा ठीक है, पहले तो एक कुट्टा सा ही हो रखा नानी का। तो बहुत सारी बातचीत करने के बाद, मस्त यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, अभी भी हम टाइम ही स्पेंड कर रहे हैं। ये देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे कजन ब्रदर एंड सिस्टर, मौसी लोग, बहने, मामा जी, हमारे इकलौते मामा जी, और नानी जो मेन मॉडल है, छह बहनों के इकलौते भाई। अच्छा नानी ने आज अपना प्रमोशन करवाया है, अभी कुछ दिन पहले नानी का पाँव तोड़ा था, अब नानी प्रमोशन हुआ तो अब हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर बोली करा बोल क्या जानने लगी मेरी नानी ऐसे कि माछा मारा पर माछा का कांडा नहीं मारा, दो हाथ भी पैर भी टूट गया पर बोलने से फिर भी हिम्मत है, फिर भी अच्छा बोल। पर मेरा बेटा अच्छा है जो यहाँ लाया मुझे, बोलो बच्चा तो मेरे बहुत सेवाकार है बाबा, बुआरी भी सेवाकार है, बच्चा भी है, मेरा नाती पोता भगवान तो खूब रहे, बेटी बेटा को कह मेरा नाती पोता बेटी खूब रहे भगवान पर होता हूँ, कहीं थे मैं चलता हूँ नाना मारी नानी जाइए कान। नानी को स्क्रिप्ट दी थी वो भूल चुकी है, अब नानी कुछ और ही बोल रही है। पागल है तू, तो दोस्तों नानी के घर से आने के बाद मैं आ गया मौसी के घर पे अपनी, और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, जो जो मौसी जहाँ जा रहे थे आसपास में रहते वैसे सारे। तो मैं अपनी एक मौसी के घर आ गया, यानी कि उज्जवल मुस्कान के घर पे। तो अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे चिल विल कर रहे थे, रील वील बनाई थी दिन में, तो वो पोस्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे। बाकी देखो ये मेरे खातिरदारी कर रहे हैं, ये मेरे लिए लेके आई है, जितनी सारी चीज़ें लाई है मेरे लिए, देखो नो पेड प्रमोशन गाइस, ये सारी चीज़ें। और हम यहाँ पर अब मज़े कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें गाइस, बहुत सारी पारी हो रही है, बहुत बहन इतना ज्यादा क्यों दिया, और दे लाई भी तो 2 रुपए कमाएंगे लाई बस। और उनकी दुकान में बड़ी चीज थी, और उज्जवल का चल रहा है क्या बोलते हो उसे, पेडिक्योर नहीं चल रहा भाई एक्चुअली। बता दे रियल हो रही है, पांव दर्द हो रहे तो गर्म पानी में डाल रहा हूं दुनिया तो उसे पेडिक्योर ही मानती है। अभिमानी रे किनो कोई गुपने तुम ही हो ना नीरोवे बोहेमिया मनते स्मृति भर हंसी सु आखो एलिनो ना सो पखे